हेलो एवरीवन। सो आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ और मैं कहीं जा रहा हूँ एंड वी आर इन अ कार। ही इज ड्राइविंग डैन। काफी अच्छा व्यू है। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए और मेरे पास अभी 1.5 घंटा था, तो मेरे को लगा कि एक अच्छा वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। तो दिस वीडियो इज अबाउट फॉरेक्स। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, जो आप आराम से कमा सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। यानी कि आपका कई बार होता है मॉर्निंग शिफ्ट शायद जॉब के कारण या कॉलेज के कारण या किसी काम के कारण बिजी होता है या आपके लाइफ स्टाइल के कारण बिजी होता है, तो आप आफ्टरनून में, और मैं तो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग 12 साढ़े 12 बजे के, इंडियन टाइम की बात कर रहा हूँ, 12:30 बजे के बाद ही स्टार्ट करता हूँ और 9 बजे उसे खत्म कर देता हूँ। तो 12:30 से 9 का जो स्लॉट होता है काफी रिलैक्सिंग पीरियड होता है, तो आपको वो सीखने मिलेगा आज के दिन पे। ट्रेड की साइकोलॉजी क्या थी, कैसे ट्रेड लेते हैं, और दो चीज मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो पहला बात ये बताना था कि ये अमाउंट मैंने कल वेडनेसडे के दिन बुक किया था। यूजुअली मैं ट्रेड नहीं लेता बड़े बड़े जब इंटरनेट अच्छा ना चले, फिर भी लिया। ये कैसे, क्या रीजन था इस ट्रेड को लेने का, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। पहला बात ये। दूसरी बात ये है कि मैं आने वाले 20-25 डेज के अंदर एक जूम मीटिंग करूंगा, लिमिटेड, एकदम लिमिटेड लोगों के लिए एक स्पेशल यूट्यूब लाइव सॉर्ट ऑफ करूंगा, जिसमें मैं लोगों को फॉरेक्स के बेसिक सिखाऊंगा। यू नो बेसिक्स की बहुत नीड है, एकदम बेसिक बेसिक की बेसिक भी सिखाऊंगा और एक सॉर्ट प्राइस एक्शन एडवांस भी सिखाऊंगा। तो मेक श्योर अगर आपको इवेंट अटेंड करना है तो यू शुड हैव एन आईडी। ट्रेड कैसे करना है भी आपके मन में सवाल होगा, फॉरेक्स को या यूएस मार्केट को, तो आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं या सीएमएस प्राइम नाम के ब्रोकरेज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपने उसमें मिनिमम $100 डिपॉजिट किए, मिनिमम मैक्सिमम कर लो जितना, बट आई वॉन्ट ट्रेडर्स, तो फिर आपको मैं वो ट्रेनिंग दूंगा। ठीक है, तो मेक श्योर यू हैव एन अकाउंट इन एक्सनेस या तो सीएमएस प्राइम, ताकि लिंक मिल जाएगा, ओपन कर लेना, और ओपन करने के बाद forex@boomingbulls.com पे अपनी आईडी भेज देना। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं जहां पे अपन को काफी कुछ सीखने मिलेगा। जस्ट 1 मिनट। तो ऑलरेडी गाइस स्टार्ट करते हैं। तो अभी है यूरो वर्सेस कैनेडियन डॉलर। अब यहाँ पे क्या देखा मैंने, मार्केट नीचे जाता है, नीचे जाके रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है और फिर से एक पुल बैक देके ऊपर की तरफ जाता है। तो साइकोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस। ये इस वीडियो में लॉस हो गया देखो, 49,410 कैश वॉज बैलेंस रहा। सीखने के लिए बहुत कुछ। वैसे ट्रेड नंबर टू है, देखो ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जापानीज येन है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक लोअर हाई बनाता है और एक बिग एनगल्फिंग कैंडल बना के एक सपोर्ट को तोड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है, एक अच्छा ट्रेड बनता है। आपकी स्ट्रेटजी, मेरी स्ट्रेटजी कहती है ट्रेड लेना है, डाउन ट्रेंड भी मेरे साथ में, एनगल्फिंग कैंडल भी, चार्ट पैटर्न भी है, डबल टॉप शॉर्ट ऑफ भी है। टूटा देखो, लॉस होने लग गया, अपने को $600 $700 लॉस दिखा रहा है। भाई हमारे डायरेक्शन में आया ही नहीं, मतलब मन करता है, बुरा लगता है, बट अपन को क्या है ना, हमारी साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपके टेक्निकल सेटअप ने ट्रेड दिया, आप उसको लो, डरो मत। बहुत यही सब कठिन है, लोग बोलते हैं ट्रेडिंग कठिन क्यों है, यही सब इमोशंस मैनेज करना। देखो कितना खराब लग रहा है, $600 यानी काफी पैसा होता है, लॉस हो रहा है $600 का, और होते 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 वो अपन को ये एक बार भी हमारे डायरेक्शन में नहीं आया, सीधे पलट गया और ये हमको दे दिया $800 का लॉस। तो बैलेंस 48,000 हो चुका है। तो लॉस, भाई मूड खराब हो गया, दो लॉस हो गए, अब दिन बंद कर देना चाहिए। अब क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस टूट सा जाता है, लगता है कि अब मैं कुछ करूँ ना करूँ, ये ट्रेड में स्ट्रेटजी काम भी करती है क्या। तो दो लॉस हो गया। अभी भी स्ट्रेटजी आपको चाहिए ना, तो एक लॉन्ग टर्म में आपको चेक करना चाहिए। तो ये तो ट्रेड जा चुका है, अब हम अगले दिन फिर उठेंगे और 12:30 12:30 12:30 के बाद ही ट्रेड स्टार्ट करेंगे। मेरे रूल्स हैं, देख लो, 2:30 को हमने ट्रेड स्टार्ट किया। क्या करता है मार्केट यहाँ पे, मार्केट एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है लेकिन उसको फेक आउट करके हेड एंड शोल्डर का हेड शोल्डर बना के मूविंग एवरेज तोड़ता है और एक सपोर्ट लेवल को तोड़ता है और वापस से रिटेस्ट लेता है। अब देखो बैलेंस कितना था, उतना ही होगा, 48 समथिंग से शुरू किया होगा बनने, और देखो जाके अभी टारगेट होना चालू होता है अपना। अब हमारा प्रॉफिट होने लग गया सर। देखो लॉस हो रहा तो कितना होता है, $600 का, $800 का, अभी प्रॉफिट $1,000 पार कर चुका है। अभी धीरे धीरे देखोगे तो दिस इज द साइकोलॉजी, बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं, ये हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये एग्जाम्पल है वीडियो, इस वीडियो में सीखने के लिए है ना, इसे दिखाने रहो कितने पैसे कमा रहा हूँ, क्या रहा है वो आप अपना कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं स्ट्रेट को डर के मारे नहीं लेता, देखो तो मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, द प्रॉफिट यहाँ पे अभी अपन को होने वाला है अराउंड $2,000 के आसपास का। ये है अपना पाउंड वर्सेस जीबीपी यूएसडी केबल बोलते हैं इसको। तो लेट इट हिट, फिर मैं बताता हूँ। देखो हम अलर्ट्स भी लगा के रखते हैं कि बजे ट्रेडिंग व्यू पे, ताकि हम कर पैसे तो सिस्टम पे डाल देते हैं टारगेट, फिर भी लगा के रखते हैं कि मान लो ट्रेल करना का मन किया तो, ट्रेल के रीजंस होते ट्रेलिंग के,
देखो फिर भी कट नहीं कर रहे, अब जाके वो ऑटोमेटिकली $2,000 पे कट हो जाएगा क्योंकि सिस्टम पे वो लगाया हुआ है, तो एक प्रॉफिट। ट्रेड नंबर टू, अब क्या लगता है भाई प्रॉफिट ले लिया अभी मैं, कहीं चला गया प्रॉफिट तो नहीं भाई, दो स्टॉप लॉस के बाद ही आपको ट्रेडिंग रोकनी है, उसको छोड़ के नहीं रोकनी है। नाउ दिस इज यूरो वर्सेस कैनेडियन डॉलर, यू सी अ ब्यूटिफुल ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट एंड वंस अगेन पुश थ्रू। तो हमने इस कैंडल पे एंट्री ली और अगेन हमारा बैलेंस भी $50,000 हो चुका है, ये रियल अकाउंट है ठीक है, एंड देन मार्केट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि देखो फिर से अपन को प्रॉफिट्स आने लग गए ठीक है, और कई बार लगता है ऐसी हाई विक रिजेक्शन कैंडल देख, हर बार क्या लगता है इस कैंडल को देख के लगता है सर टारगेट होगा कि नहीं होगा, कट कर दूं क्या? नहीं, जब भी आपने ट्रेड लिया या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। अब आज का दिन देखो कैसा चल रहा है, हो गया रिकवर लॉस 2,000 वहीं रिकवर कर लिया अपन ने, अब ये हमारे लिए प्रॉफिट है, अब जो भी अपन का इस ट्रेड में बनेगा आपको प्रॉफिट की तरह मिलेगा। तो यही चीजें होती है गाइस, यू नो आपने अभी तीसरा ट्रेड भी एक्टिव हो गया, ये खत्म नहीं हुआ है, यूएसडी जेपीवाई में एक और ट्रेड एक्टिव हो गया, तो मैं यहाँ तो चल ही रहा है देखो, ऊपर यूरो कैट चल रहा है प्रॉफिट अपना, और यूएसडी जेपीवाई में क्या हुआ, ब्रेकआउट आया, मार्केट ने रिटेस्ट लिया, नीचे फेकआउट दिया और ब्रेकआउट दिया, तो हमने इस ट्रेड को ले लिया ठीक है। अभी स्टॉप लॉस सेट कर रहे हैं, टारगेट सेट करेंगे ठीक है, जस्ट मिनट, और ऊपर की तरफ आपको MT4 दिख रहा है, दोनों हमने ट्रेड ले लिया है ठीक है। तो इसमें भी 1:2 बनाएंगे, इसमें भी अपन 1:2 बना के रखे हैं ठीक है। तो अब देखो दोनों ट्रेड चल रहे हैं, क्यों भाई दो ट्रेड क्यों ले लिया? क्योंकि ये मेरे रूल्स में आता है, आपको अपना सिस्टम खुद डिफाइन करना है, सिस्टम पे काम करना है। दो स्टॉप लॉस सेट हो जाएंगे तो ट्रेड नहीं करें, लेकिन अगर नहीं हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका दिन का RPT, रिस्क पर डे नाम की चीज होती है, आप खुद को अलाउ करो कि मैं दिन का $1,000 $2,000, $1,000 का अकाउंट है तो दिन का $40 $50 $60 $70 ही लॉस करूंगा, वो हिट हो गया तो छोड़ दो। अब देखो ट्रेड देखो हमारे अगेंस्ट में जाना चालू कर दिया है, ये क्या होता है, कई लोग ना बोलते सर इवनिंग स्टार बन गया, छोड़ दूं क्या? मैं तो नहीं छोड़ूंगा, इवनिंग स्टार बने या कुछ भी बने जो बनना है, कैसा भी स्टार बने, इवनिंग सन बने, मैं ट्रेड नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा SL हिट नहीं होता या मेरा टारगेट हिट नहीं होता। अगर मैं इस प्रैक्टिस को फॉलो, कई बार आपको बेनिफिट करेगा बीच में निकलना, देखा मैंने बोला था बोले से कुछ नहीं होता, अगर प्रैक्टिस को फॉलो करोगे तो देखो क्या होगा, देखो हमारा ये ट्रेड भी ऊपर की तरफ जा रहा है, वो भी हमको $1,100-1,200 प्रॉफिट दे रहा है। अभी आप देखोगे कि पहले वाला टारगेट हिट हो जाएगा यूरो कैनेडियन डॉलर, जो अपन को कम से कम $1,400-1,500 के आसपास प्रॉफिट दे देगा, दे दिया उसने $1,400-1,500 के आसपास प्रॉफिट। अभी हमारा बैलेंस ही $52,000 हो चुका है। अब डॉलर वर्सेज जापानीज येन देखो ये भी चल रहा है, एक भी रेड कैंडल नहीं बनाया है, किस्मत होती है कभी कभी होता है ऐसा ट्रेड मिल जाए। तो देखो इस ट्रेड में इस वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ, अगर आप सीख पाओ तो कमेंट करके बताओगे क्या क्या सीखे तो अच्छा लगेगा, कम्युनिटी की भी हेल्प होगी। अब देखो फिर से हमारा प्रॉफिट होने लग गया है, यहाँ पे हम 48,000 तक आ गए थे 50,000 से। अब देखो ट्रेड चल रहा है, हमने इसको ट्रेल करने की कोशिश की, एक मूविंग एवरेज खींच दिया, आप अपने मन से खींच सकते हो, मैं 9 EMA यूज करता हूँ, कभी 13 EMA यूज करता हूँ, कभी 20, डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट। तो यहाँ पे हमने उसको और 1:3 करने की कोशिश की, 2,000 तक खींचा प्रॉफिट, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमको कोई दुख दुख की बात नहीं, हम लोग ज्यादा बुक कर सकते थे, कई बार लोग देख लेते 2,100 तो फिर उनको होता नहीं है कि उसके ऊपर नीचे बुक नहीं कर पाऊंगा, बट ये देखो क्लोजिंग देगा तो कट करेंगे $1,800 पे, और हमारा बैलेंस हो चुका होगा 52,000, कट कर देंगे अपन को, कट 52,200 पे हमने इसको कट कर दिया। मैं आपसे बात कर, क्या देखने मिला कि हम लोग क्या होता है ट्रेडिंग जब करते हैं तो जब भी लॉस होता है तो दो चीज करते हैं, बुक कर लेते हैं, एंगर भर लेते हैं, और अगले दिन लो क्वालिटी ट्रेड लेके अपना और लॉस कर लेते हैं, या तो दूसरी चीज करते हैं हम लॉस बुक ही नहीं करते तो होल्ड ही करते रह जाते हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे पहचान के, जो बोलते हैं भाई मेरी ट्रेडिंग अच्छी चल रही है, अच्छे पैसे कमाए भाई, लेकिन ना मैंने 10 प्रॉफिट किए भाई, एक लॉस हुआ और पूरा पैसा चला गया, क्योंकि वो लोग ना लॉस पे कट नहीं करते, वो लोग के लोग स्टॉप लॉस के नीचे आता है सोचते हैं होल्ड कर लेता हूँ, अच्छी स्ट्रेटजी काम हमेशा काम नहीं करेगी, नहीं करेगी भाई, आप सब करके देख लिया है। कई बार क्या होता है जब आप नई ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो हमको लगता है हम ही स्मार्ट है, नो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्मार्ट हो, मेरे को भी लगता है मैं स्मार्ट हूँ, तो मैंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि इसको क्या पता है, बट मैं बता रहा हूँ छोड़ो किसको क्या पता है, द सिस्टम में जो रूल्स, जो पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी के रूल्स ना सेम है। अब किसी भी यूट्यूबर को देखो जो भी सक्सेसफुल है, जो भी सही काम कर रहा है ना, भले आप उसको जो भी समझो, वो देखना उसके रूल्स सिमिलर मिलेंगे आपको, वो हमेशा बात करेगा कट करने की लॉसेस को, होल्ड करने के विनर्स को, प्रॉफिट्स को, और वो हमेशा कोशिश करेगा कैलकुलेशन वाइज काम करने की, नंबर ऑफ ट्रेड इतने लॉस हो गए तो दिन बंद कर दो। तो यू नो आपको अगर ट्रेडिंग करनी है प्रोफेशनली तो आपको प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा, हाफ पैंट पहन के, जैसे मैंने अभी हाफ पैंट पहना है, फुल पत्ती वाला टी शर्ट पहना है क्योंकि मैं फिजी में हूँ,
यहाँ घूम रहा हूँ, ऐसे ही मैं पहन के कपड़ा ऑफिस पहुंच जाऊंगा कोई, मतलब मैं कहीं जॉब करता हूँ तो, या अगर मेरा ऑफिस है बिजनेस में रहता तो अच्छा नहीं लगेगा। यानी प्रोफेशनली पहुंचूंगा ना, एक शर्ट पहन के, पेंट पहन के, उसको बोलते प्रोफेशनली। मेरे आईआईटी एग्जाम्पल दिया, आप भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्रोफेशनली करोगे तो बेनिफिट होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ मैंने आपको दो बातें बतानी बोली थी कि मैं बहुत जल्दी एक जूम लाइव करूंगा या यूट्यूब लाइव करूंगा लिमिटेड लोगों के लिए, तो अपना अकाउंट खोले ना CMS प्राइम एक्सेस में खोल के, forex@boomingbull.com पे अपना नाम, अपना आईडी नंबर, अपना फोन नंबर भेज देना, तो अपने डेटाबेस में इंक्लूड करूंगा ताकि आपको व्हाट्सअप कर पाऊं मैं। तो ये कर लेना, और $100 डिपॉजिट करने के लिए फिर मैं आपसे बताऊंगा कि अभी मैं अनाउंस करूंगा डेट एंड एग्जैक्ट डिटेल्स, बट पहले अकाउंट ओपन कर लो, ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो जो फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, अगर उनके साथ भी ऐसे होता है कि 10 दिन ट्रेड लिए प्रॉफिट हुआ, एक दिन लॉस कर लिए पूरा उड़ गया, तो नहीं होगा। आप अपने स्टॉप लॉस को कट करना चालू करो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 बनाओ। अरे फिर आपको 10 में से 5 में भी लॉस हुआ ना, 10 में से 6 में भी लॉस हुआ, तो आपका मान के चलो ₹6 लॉस हुआ, 4 में प्रॉफिट हुआ 8 रुपए, 4 में प्रॉफिट हुआ तो ₹8 बना, यानी ₹2 भी कमाए, ₹2 1 लाख भी हो सकता है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करो, अगर आप कैपिटल ठीक से यूज करो। इतने से कैपिटल से जब आप इतना पैसा बनाना चाहते हो तो प्रॉब्लम होती है, जब इतने कैपिटल से आप इतना पैसा बनाना चाहो कोई बात नहीं, कैपिटल बाद में मिल जाएगा, 1 साल बाद मिल जाएगा, अपने आपको स्टूडेंट समझो, ठीक है। तो अब एक बोनस पार्ट जो मैंने बोला था आपको बताऊंगा, तो डेफिनेटली शेयर करूंगा, अभी इंटरनेट शायद ही चल रहा होगा, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ इंटरनेट उतना अच्छे से, तो लेट्स सी। ओके, तो बैंक निफ्टी का ट्रेड था गाइस जो लिया, तो ये जो मूवमेंट है क्या होता है, मैं आपको चीज दिखाता हूँ, मार्केट देखो, ये 25th में से 29th में, यानी 4 दिन जब मार्केट लगातार ऊपर जाए और फिर भी आप सोचे कि ऊपर ही जाता जाएगा तो आसान नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट 1000 पॉइंट मूव दे चुका था, अभी 1000 पॉइंट मूव देने के बाद और दे सकता था अगर ये कंसोलिडेट करता, तो इसने कंसोलिडेट कर दिया, अभी कंसोलिडेट करके जब ये स्ट्रॉन्ग बिग कैंडल ब्रेकआउट देता तो ये रन कर सकता था, लेकिन इसने क्या किया, इसने कंसोलिडेट करके दे दिया डाउनसाइड मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है, आप देखेंगे यहाँ पे 29th एंड 30th, एक नहीं 2 दिन का जब मार्केट सपोर्ट तोड़ता है, 2 दिन में बना हुआ सपोर्ट, उसके पहले मार्केट एक मूवमेंट दे चुका था, यानी इन लोगों को भी डर, इस कैंडल पे इन सब लोगों ने जो बाय किया हुआ था क्विट बोल दिया, भाई हमें हमारा प्रॉफिट दे दो, हमने यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया है, कुछ ने यहाँ बाय किया, कुछ ने यहाँ बाय किया है, बोले भाई, इनने बोला मेरे को ब्रेक थोड़ा प्रॉफिट दे दो, इनने बोला भाई मैं तो प्रॉफिट बुक करूंगा क्योंकि नहीं, इनने इन लोगों ने क्विट बोला, मार्केट पुश डाउन किया, जितने लोग थे ट्रैप हो गए, इनने भी एग्जिट किया, तो हमको बहुत शार्प सेल देखने मिला। तो वो जो ट्रेड था पुट बाय किया हुआ था मैंने, एंड यू कैन सी दैट फॉल ऑफ द मार्केट, मार्केट अच्छा खासा फॉल करता है और हमको यहाँ पे ट्रेड देता है, फिर कैसा, क्योंकि ट्रेंड अप था, ट्रेंड तो अप है दिख रहा है अपन को, ट्रेंड इज लाइक अप, तो मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट दे दिया। अब बस अभी अपन को देखना है, अच्छा इसके आगे क्या होगा, मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा और तो उस पे देख लेना, ठीक है। ओके गाइस, आई होप यू एंजॉयड अ लॉट इन दिस वीडियो, और जितने भी नए ट्रेडर्स हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कमेंट करके बताना मेरे इस फॉरेक्स ट्रेडिंग वीडियो से क्या सीखने मिला, और कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर देना वीडियो, और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करना, मैंने देखा मेरे एनालिटिक्स व्हाट्सएप पे अगर आप शेयर करते हो बहुत सारे दोस्तों के साथ तो आई गेट टू नो एंड वी गेट अ न्यू सब्सक्राइबर्स, तो आपको क्या फर्क पड़ता है राइट, सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ेंगे तो अगर हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी तो आपके लिए भी अच्छा है, तो लेट्स डू इट, गोल है 10 मिलियन, जानता हूँ 10 मिलियन लाइक कॉन्टेंट। तो गाइस बात करते करते इंटरनेट चला गया, तो अब मैं आपसे ऐसे बात कर लेता हूँ, तो मैं कह रहा था कि मैं जानता हूँ 10 मिलियन लाइक कॉन्टेंट तो नहीं बन रहा है, बट बनेगा फॉर श्योर, यू भरोसा करो बनेगा। देखो वैसे भी मैं ऐसे तो हूँ नहीं कि मेरे फैमिली में बहुत बड़े कोई हेज फंड मैनेजर थे मेरे फैमिली वाले, तो आप मेरे को फॉलो करते हो, आपके कारण ही मेरी पावर है, बिकॉज यू सपोर्ट मी, सो जस्ट सपोर्ट मी इन दिस जर्नी, वी विल रीच 10 मिलियन, मैं बनाऊंगा उस लेवल का कॉन्टेंट, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।